हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया, लास्ट के दो तीन टॉपिक रह गए हैं हमारे, उसके बाद जो हमारे पास सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज प्रैक्टिकल का लास्ट है, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ठीक है? उसके बाद आप लोग वेंसडे को, आप लोगों की लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट, वो आप लोगों ने LMS के ऊपर मुझे अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करानी है। आज जो है मैं उसकी डेट डाल दूंगी कि वेंसडे की रात 12 बजे तक का लास्ट टाइम होगा, उसके बाद जो है वो खुद ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी की असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है? तो एक असाइनमेंट बना लो आप लोग, और दूसरा ये कि आप लोगों को मिट्स का तो पता चल गया होगा कब से मिट्स स्टार्ट हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब आप लोग उसकी भी तैयारी करो। मिट से फारिग हो जाओ, फिर उसके हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो रहा है, तो वो भी कम्प्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल भी किया करेंगे, ठीक है? तो अभी ये जो 2 हफ्ते हैं ना, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल अभी नहीं करवाऊंगी मैं, आप लोगों का सिलेबस कम्प्लीट हो जाए और आप लोग मिट से फारिग हो जाओ, ठीक है? तो उसके बाद इंशाल्लाह शायद मैं वेंसडे को करवाऊँ एक, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट का है, और वो भी इतना ही है बस, और उसके बाद जो है फिर हम कोशिश करेंगे कि मिड्स तक वेट कर लें और मिड्स के बाद हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, और उस वक्त तक अभी जो है अपना वो भी करवा लो असाइनमेंट भी। बिस्मा आसिफ, यस मैम, आपसे कहना था कि आप LMS पे फिर फाइल की जो है ना, वो लाइक फाइल जो है ये काफी बड़ी बन रही है हमारी, जो आप वर्ड पे फाइल आपने कही है ना कि टेबल बनाओ, तो हाँ, वो आप 3 टॉपिक्स जब कवर करने हैं तो वो समराइज करने में काफी ज्यादा कंटेंट बन रहा है, तो हैवी फाइल हो जाएगी ये। 3 पेज बनेंगे सिर्फ, अगर आप लोग टेबल बना रहे हो ना, तो उसको टेबुलर फॉर्म में सिर्फ एक टेबल बनाओ, और उसमें सिर्फ इतना लिखो कि आपने कौन सी अप्रोच है, उसमें पेशेंट की क्या पोजीशनिंग है, ट्रोप की क्या आगे, फिर उसके बाद नजर क्या आया, ये टेबल में बनाओगे तो इजी हो जाएगा। मैम सिर्फ ट्रोप की आपने 2 या 3 लाइन के अंदर वो छोटी सी कितना सा वो बन जाएगा, आपने सिर्फ प्रोप प्लेसमेंट बतानी है, पूरा डिफाइन नहीं करना। चलो 2 पेज बन। मैम फिर भी अप्रोचेस जो है ये काफी सारी हैं, लाइक एक साइड को ही देखें तो उसकी भी काफी सारी अप्रोचेस हैं, तो ये 2 पेजेस पर तो कभी भी नहीं कवर होता, तो उसके बन जाएंगे। वर्ड की फाइल इतनी बड़ी नहीं बनेगी, अगर 2-2 पेज की भी, हर रीजन की 2 पेज की बन रही है वर्ड की, तो मेरा ख्याल है 6 पेज टोटल इसके बन जाएंगे, तो इतनी बड़ी फाइल तो नहीं है। हम लोगों की मेरी स्लाइड्स देखी है, छोटी छोटी बना के तीनों पार्ट की। कैसे आपके कितने पेजेस बन रहे हैं? मैम ऑलमोस्ट 15 हो गए। इतने ज्यादा? क्योंकि मैम हर रीजन को आपने कहा था ना कि नहीं, आपने टेबल बनाया या आपने उसको पैराग्राफ में लिखा है? नो मैम, टेबल ही बनाया, साथ इमेजेस वगैरह डाल के हर साइड की। अच्छा, तो 15 पेजेस भी क्यों नहीं अपलोड? अभी मैं इस पर, अभी तो वैसे आप लोगों ने LMS पे तो किया ही नहीं होना, LMS पे मैं करती हूँ, LMS पे होती है इतने, तो कि आप लोग डालो मेरी 60-70 फ्लैग। 3 MB तो MB का हिसाब होता है, मैक्सिमम 3 MB या 4 MB तक होता है, अगर इससे ज्यादा कोई फाइल हो फिर अपलोड नहीं होगी। हमारी 5 MB की स्पेस हमें वो होती है, जो मैंने अपने लेक्चर्स अपलोड करने होते हैं LMS के ऊपर, और मेरी स्लाइड्स देखी है कि 60-70 की इसमें जा रही होती है, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि वर्ड के ऊपर इतना नहीं होगा, इतनी उस पर आएगी नहीं। हाँ, इमेजेस भी डालो तब भी नहीं, 3 MB तो नहीं। आप देख लेना एक दफा उसको करके कि आज मैं LMS पे डेट डालूंगी ना, आज उस पर अपलोड करना, अगर नहीं होता तो मुझे बताना फिर, ठीक है? वैसे हो जानी चाहिए वर्ड के ऊपर, मैं आज डेट उस पर डाल दूंगी असाइनमेंट की, आप लोगों ने पहले भी डाले होंगे असाइनमेंट इस तरह LMS पे करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह आप लोग जो है ना, वेंसडे इज द लास्ट डेट, रात 12 बजे तक का टाइम पूरा वेंसडे का डेट, ठीक है? उस वक्त तक आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक। एक दो दिन तक आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि कितना सिलेबस आएगा।
मैम कैम स्कैनर से कर कर कंप्रेस फाइल करके अपलोड नहीं कर सकते? जैसे भी आप लोग कंप्रेस कर लो, मतलब अपलोड हो जाए प्रॉपर, जो वर्ड में जिस तरह बनाते हो उस तरह कंप्रेस करके बना दो, पीडीएफ में बना दो। पीडीएफ में जब कंप्रेस करोगे ऑटोमेटिकली बहुत कम वो रह जाती है उसकी, ठीक है? जब उसको गूगल पे वैसे ही उसको कन्वर्ट कर लेना ना उस फाइल को, उसमें पीपीटी से पीडीएफ में, ठीक है? अगर बड़ी फाइल होगी तो वो पीडीएफ में जब होगी तो और कंप्रेस हो जाती है उसकी, ठीक है? अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा टेनिस एल्बो। आपको नेम से बता रहा है कि जो हमारे पास रेपिटेटिव मूवमेंट आ रही है टेनिस के अंदर, जो रेपिटेटिव मूवमेंट टेनिस प्लेयर्स के अंदर वो जिस तरह प्ले करते हैं और जिस तरह उनकी एल्बो मूव करती है, उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि टेनिस एल्बो, इस प्रॉब्लम को कहते हैं टेनिस एल्बो। और ये हमारे जो एल्बो के एक तरफ लेटरल एपिकोंडाइल्स थे और एक तरफ मीडियल एपिकोंडाइल्स थे, वहां पे हमारे पास कुछ लिगामेंट थे जो लास्ट टाइम मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाए थे, व्हाइट कलर के बैंड दैट आर ज्वाइनिंग द टू बोन्स, ऊपर वाली और नीचे वाली जितनी भी बोन्स है उनको लेटरली जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। दोनों साइड्स पे थे हमारे पास, एक मीडियल साइड पे था और एक लेटरल साइड पे था। अगर उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उनका रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से क्रॉनिक स्टेज पे जाके टियर आना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करेगा, डैट विल लीड्स इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ डैट टेंडन, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल टेंडनाइटिस जो भी हमारा होगा, या मीडियल टेंडनाइटिस, ठीक है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ डैट स्पेसिफिक टेंडन या मीडियल होगा या लेटरल होगा। टेनिस एल्बो है, पूरा लेक्चर मैं इसी तरह बता दूंगी, उसको रीड करें। टेनिस एल्बो के अंदर हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल, लेटरल जो हमारे पास लिगामेंट है वो उसके चांस होते हैं इन्फ्लेमेशन होने के, ठीक है? इसी तरह एक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गोल्फ, गोल्फर एल्बो, उसके अंदर जो गोल्फ प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर वो प्रॉब्लम होती है, और वो क्या होता है, वो मीडियल एपिकंडाइल या मीडियल हमारे पास जो लिगामेंट है उसके रप्चर होने के चांसेस उसके अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक है? बस आपने ये याद रखना है कि टेनिस एल्बो में कौन सी साइड है और लेटरल साइड, और हमारे पास गोल्फर एल्बो उसके अंदर कौन सी साइड है, मीडियल साइड है, ठीक है? और करेगी क्या ये, उस जो उस साइड वाले लिगामेंट है, लिगामेंट का क्या काम है, अगर लेटरल साइड है तो लेटरल साइड में अगर मैंने यू रखा हुआ है सुपिनेशन के अंदर, ठीक है, तो ये मेरी कौन सी साइड है, ये दिस इज द रेडियल साइड, तो रेडियल साइड के अंदर तो हमारे पास रेडियल एपिकंडाइल, जो एपिकंडाइल कह रही हूँ, कौन सा लिगामेंट होगा, कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है? रेडियल कोलेटरल लिगामेंट जो रेडियल साइड पे है वो लेटरल साइड वाला जो है वो रप्चर होगा, ठीक है? जो आउटर साइड वाला, जो मीडियल वाला होगा वो इन्वॉल्व होगा इन द गोल्फर्स एल्बो, ठीक है? टेनिस एल्बो द लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज अ कंडीशन इन विच द आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो बिकम सोर एंड टेंडन, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेंडर होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर स्वेलिंग के साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक स्टेज पे चली जाती है, तो फिर उसके अंदर टीयर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर वो जो पेशेंट है वो उसको स्टार्ट हो गई है ये कंप्लेन, ठीक है, उसको सोर हो रहा है, सोर टेंडन हो गया, उसको प्लेन स्टार्ट हो गई है, उसकी स्वेलिंग हो गई है, लेकिन अगेन वो जो है वही रेपिटेटिव मूवमेंट उसकी हुई जा रही है, उसी रेपिटेटिव मूवमेंट में वो प्रॉब्लम कर रहा है उसको वो वाला, उसमें फिर चांस है कि वो अब टीयर की तरफ चला जाए, ठीक है? पहले क्या इन्फ्लेमेशन होगी स्वेलिंग के साथ साथ, और देन डेट विल लीड्स टूवर्ड्स द टीयर ऑफ दैट लिगामेंट, ठीक है? टेनिस एल्बो इज अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स दैट जॉइन द फोरआर्म मसल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द एल्बो, दैट इज द लेटरल एपिकंडाइल। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये कौन सी साइड है, ये लेटरल साइड है, तो दिस इज टेनिस एल्बो। द फोरआर्म मसल्स एंड द टेंडन्स बिकम डैमेज ओवर यूज रिपीटिंग द सेम स्ट्रेनियस मोशन अगेन एंड अगेन, दिस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, पेन एंड टेंडननेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द एल्बो। बस ये कि वही रेपिटेटिव मूवमेंट है उसकी। अब हमें ये भी आगे जाके बताती हूँ कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मसल है या उसका टेंडन है जो ये मूवमेंट, जो एक्सटेंशन के अंदर या एक्सटेंशन करवाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है या फ्लेक्शन करवाने में, ठीक है? देन फिर उसके अंदर कौन सा एक्सटेंसर या फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व है जिसका टेंडन यहाँ पे आके लेटरल साइड पे अटैच होता है। टेंडन, हम टेंडन बोल रहे हैं ना, लेटरल के अंदर टेंडन जो है वो रप्चर होगा, टेंडनाइटिस है, इट्स एपिकोंडाइल के ऊपर जो बोन के ऊपर टेंडन अटैच होगा उसकी जब मूवमेंट होगी तो वो टेंडन रप्चर हो जाएगा, ठीक है? और वो लीड करेगा, पहले टेंडन रप्चर हो सकता है, लिगामेंट भी रप्चर हो सकता है वहां पे, क्रोनिक स्टेज जिस तरह बढ़ती जाएगी वो उस प्रॉब्लम को, उस जगह को और जो एसोसिएटेड जितने भी हमारे स्ट्रक्चर है उनको डैमेज कर सकता है। तो रेपिटेटिव मूवमेंट दैट विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन, पेन, टेंडननेस, और क्रॉनिक में फिर वो टीयर की तरफ चला जाएगा। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ये मूवमेंट करवाएंगी?
टेनिस एल्बम नेम ही है सबसे पहले तो टेनिस प्लेयर्स जितने होते हैं ना उनमें, अब टेनिस जिस तरह प्ले करते हैं उसके अंदर ये क्या है बार बार एक्सटेंड करवा रहे हैं अपने आर्म को फिर यूं वो शॉट मारते हैं, ठीक है अपने आर्म को एक्सटेंड कराना। और इस तरह की और मूवमेंट्स कौन सी हो सकती है इसके अंदर, इन्होंने जिस तरह बताया हुआ है अगले स्लाइड में होगा कि जो लेबर्स होते हैं जो हैमर का काम जिनका बहुत ज्यादा होता है ठीक है वो भी क्या करते हैं यूं लेकर जाते हैं फिर मारते हैं, ये उनकी ये भी ये वाली मूवमेंट की वजह से ना उनका डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जो ये एक्सटेंड करवा रहे हैं और ये बार बार जो है वो उसको फोर्सफुली जो है हिट करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है टेनिस में भी बॉल को हिट कर रहे हैं वो हैमर को हिट कर रहे हैं तो इस मूवमेंट के अंदर वो रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट हो रही है तो उसके अंदर चांस होता है कि आपका लेटरल एपिकंडाइल जो वहां पर टेंडन अटैच हुआ है वो उस मूवमेंट की वजह से पहले तो फ्रिक्शन से उसमें क्या होगी जो टेंडनेस हो जाएगी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द टियर। Any activity including playing tennis which involves the repetitive use of the extensor muscles of the forearm can cause acute or chronic tendonitis of the tendinous insertion of these muscles at the lateral epicondyle. Clear? ठीक है? This condition is common in carpenters and other laborers who swing a hammer or other tool with the forearm. ये मैं इसलिए ये कुछ ऐसी डाल देती होती हूँ क्योंकि जब मैं अगर कुछ scenario based question देती हूँ ना तो ये इन समझो कोई कारपेंटर या हैमर का मैंने कोई हिस्ट्री डाल दिया जो लेबर जो है वो हैमर के साथ उसका कोई काम था, ठीक है तो आपको ये पता हो कि इसके अंदर कौन सी मूवमेंट हो रही है, उन्होंने एक्सटेंसर मूवमेंट करवानी होती है अपनी, एक्सटेंसर रेपिटेटिव मूवमेंट है जिसकी वजह से उसका ये डैमेज आया है, ठीक है या फिर मैं कोई जिस तरह आपको मैंने उसमें दिए थे एक दो सिनेरियो दिए थे ना कि भाई ये प्लेयर है उसको ये हिट हुआ है एक गिरता हुआ दिखा दिया था कि मतलब ट्रॉमा के अंदर वो टेबल था कि ट्रॉमा के अंदर क्या जो है ना कौन सा लिगामेंट जो रप्चर हो सकता है कौन सा टेंडन रप्चर हो सकता है, इसी तरह ये कुछ कंडीशंस होती हैं मैं इनको एज एन सिनेरियो दे सकती हूँ कि कारपेंटर है ठीक है कारपेंटर की क्या उसको ये प्रॉब्लम आई है तो क्या चांस होगा कि क्या हो सकता है उसको, ठीक है तो आपको उनका पता हो कि उसकी ये स्पेसिफिक मूवमेंट थी जिसकी रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से उसका लेटरल एपिकंडाइल डैमेज हो सकता है तो उसकी वजह से हमें टेनिस एल्बो वो कॉज कर सकता है। टेनिस एल्बो और द लेटरल एपिकंडाइलाइटिस इज मोर फ्रिक्वेंटली देन गोल्फर एल्बो और मीडियल एपिकंडाइलाइटिस, जो सेकंड हमारा टॉपिक है दैट इज द गोल्फर एपिकंडाइलाइटिस और वो गोल्फर में क्या होता है मीडियल साइड इफेक्ट होती है, ठीक है तो उसमें क्या होगा उसके अंदर जो मीडियल हमारे पास लेटरल एपिकंडाइलाइटिस हो जाएगा और लेकिन इन दोनों में से कॉमन कौन सा है कॉमन नहीं मोर फ्रीक्वेंट कौन सा है, एक है कॉमन और एक फ्रीक्वेंट है, ठीक है तो फ्रीक्वेंट कौन है जिसकी ये ज्यादा मूवमेंट हो रही है वो है टेनिस है, ठीक। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है पेशेंट आपके साथ किस कंप्लेन के साथ आएगा, एक तो ये कि वो कोई भी चीज ग्रास जब करता है रिस्ट एक्सटेंशन के टाइम, अब देखो ये उसने कोई चीज पकड़ी जिस तरह हम रैकेट को पकड़ते होते हैं पकड़ा और ये उसने एक्सटेंड करवाया अपने रिस्ट को, ठीक है इस प्रॉब्लम में उसको पेन होगी लेटरल साइड पे, ठीक है वो कहेगा कोई भी चीज पकड़ता हूँ और ये मेरी मूवमेंट होती है तो मेरे इस जगह एल्बो पे बड़ी शदीद पेन आती है, दैट मीन्स आप कंफर्म कह सकते हो कि इसको टेनिस एल्बो क्योंकि ये मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम है, उसको बेशक जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो डायनामिक इमेजिंग ये मूवमेंट करवा के आप उसका लेटरल साइड देखो तो आपको क्लियर वहां पे इन्फ्लेमेशन मिलेगी या फिर उसके अंदर आपको टियर मिल सकता है, ठीक है दिस इज द यूज ऑफ द डायनामिक इमेजिंग जो कि अल्ट्रासाउंड पे हम लोग बाय उसको क्या कह सकते हैं पेशेंट को मूव करवाते हुए हम लोग जो है उसको इमेज कर सकते हैं उसकी स्पेसिफिक जो मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है अच्छा दिस इज द लेटरल एपिकंडाइल ये यहाँ पे जो आपको एक्सटेंसर टेंडन्स यहाँ पे अटैच हो रही है लेटरल एपिकंडाइल पे, इसका कलर थोड़ा सा आपको लग रहा है थोड़ा रेडिश सा है दैट मीन्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन यहाँ पे तो एक जैसा ही लग रहा है तो इसके अंदर सोर टेंडननेस फील हो रही है, ठीक है उसको और उसके बाद वो लीड करेगा इन्फ्लेमेशन उसकी स्वेलिंग होगी उसमें हाइपर वैस्कुलराइजेशन आपको मिलेगी अल्ट्रासाउंड पे और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एकोजेनेसिटी डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है एकोजेनेसिटी में क्या होगा उसके अंदर हाइपोइक्विक एरियाज डिफरेंट फोकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है टेंडोनाइटिस इन्फ्लेमेशन के अंदर इसी तरह नजर आता है, ठीक और डॉपलर के अंदर हाइपर वैस्कुलराइजेशन, ठीक जो देख रहे हैं टेंडन के अंदर ये टेंडन था जो कि लेटरल एपिकंडाइल के ऊपर हमारे पास अटैच है और उसके अंदर आपको टीयर्स अब स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया माइक्रोस्कोपिक टीयर्स है, ठीक है इन्फ्लेमेशन दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द टीयर। अब अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेज देखो तो आप देखो इसी तरह की साइड पर बोन्स नजर आती थी ना, ये आपको ऊपर बोन नजर आ रही है, ठीक है ये नीचे बोन नजर आ रही है लेटरल एपिकंडाइल जो लेटरल साइड पे है उसके ऊपर ये जो अब लाइट्स ऑन है बहुत ज्यादा इसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा है, ये जो ऊपर आपको ब्लैक सा एरिया नजर आ रहा है ना ये
दिस इज अ टेंडन दैट वाज अटैचिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है, वो टेंडन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है. आप ना लाइट थोड़ी ऑफ कर दो, क्लियर इमेज हो गए, क्योंकि इसके अंदर ना हाइपोइक एरिया भी नजर आएगा और जो है आपको पूरा ब्लैक नहीं नजर आएगा, पहले पूरा ब्लैक लग रहा था. तो हाइपोइक एरिया जो कि हमारा कंफर्म है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई. एक और इमेज दिखाती हूँ इसके बाद. Recent studies shows that the tenor elbow is often due to the damage to a specific forearm muscle. We all know extensor muscle involved होगा, extension में ही उसको problem है. तो कौन सा extensor muscle है जो कि जिसका tendon इस तरफ attach होगा, ये है extensor carpi radialis brevis. ये बस याद रखो कि tenor elbow में extensor muscle involved है, उसके अंदर जो होगा उसके अंदर maybe flexor हो, ठीक है. रट्टा लगाने के लिए बड़ा आसान है कि ये टेनस एल्बो, एक्सटेंसर मसल, और एक ही मसल जिसका टेंडन है वो कौन सा है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, जिसका टेंडन जो है डैमेज होता है. दिस अकर्स ड्यूरिंग अ टेनिस ग्राउंड स्ट्रोक, फॉर एग्जांपल व्हेन ईसीआरवी इज वीकेंड फ्रॉम द ओवरयूज, माइक्रोस्कोपिक टीयर्स फॉर्म इन द टेंडन वेयर इट अटैचेस टू द लेटरल एपिकंडाई एंड लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन एंड पेन. ठीक, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, बिकॉज वो लेटरल साइड पे है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो जो है ज्यादा, इसीलिए फ्रीक्वेंट भी है कि उसके डैमेज होने के, क्योंकि वो आउटर साइड के ऊपर है. ठीक है, एज द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन्स द मसल रब्स अगेंस्ट द बोनी बम्प, और उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर टीयर आ सकता है. एक तो इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, एक उस रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से वो जो है वो उसको उसके अंदर टीयर आ सकता है बोन के साथ, वो बार बार जो है वो उसको क्या समझ लो कि मूवमेंट हो रही है उसकी बोन के ऊपर. दिस कैन कॉज ग्रेजुअल वियर एंड टीयर ऑफ द मसल ओवर टाइम. अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या नजर आएगा, नंबर वन थिकनिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन. ओके, ठीक है, हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन जब भी होती है उस एरिया का थिकेंड एरिया हो जाता है. दूसरा हमें पता है हाइपरवैस्कुलराइज हो जाता है. तीसरा हमें पता है कि उसके अंदर जो है फ्लूइड एक्युमुलेट, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, और अगर ये टीयर की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर ब्लैक लाइन होगी. लेकिन इस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होगा कि हमें हाइपोइक्विक एरियाज नजर आएंगे, डिफरेंट एरिया जो है ना उसके अंदर, कहीं पे हाइपोइक्विक होगा, कहीं प्रॉपर ग्रे जिस तरह का होता है, ठीक है, वो कम ज्यादा ग्रे जो है ना उसके अंदर नजर आ सकते हैं. तो थिकनिंग ऑफ द कॉमन एक्सटेंसर टेंडन एसोसिएटेड विद डिफ्यूज हेट्रोजेनिटी एंड एरियाज ऑफ द फोकल हाइपो एक्जेनेसिटी. क्या होगा, जो हमें स्मूथ जिस तरह टेक्सचर नजर आना चाहिए, होमोजीनियस नहीं नजर आएगा, हेट्रोजीनियस नजर आएगा, और उसके अंदर हमें जो एक्जेनेसिटीज हैं वो किस तरह की नजर आएंगी, हाइपोइक्विक. दैट मीन्स जो एक एरिया है वो हमें एक जैसा नहीं नजर आ रहा होमोजीनियस, उसके अंदर डिफरेंट हमें एक्जेनेसिटीज नजर आ रही है, और वो एक्जेनेसिटीज हाइपरइक्विक नहीं है, वो हाइपोइक्विक. हमें जो स्ट्रक्चर है उससे भी कम उसकी ग्रेनेस जो है वो नजर आ रही है फोकल, ठीक है, फोकल. द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन द पेशेंट विद द लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज फोकल एरियाज ऑफ हाइपोजेनेसिटी विद द बैकग्राउंड ऑफ द इंट्रिंसिक टेंडिनोपैथी. ठीक है, ये इन्होंने अल्ला से लेकर रेडियस की तरफ को यूं अपना मूव किया हुआ है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसवर्स व्यू है. इसके अंदर आपको ये मसल पड़ा हुआ है और इस मसल के अंदर ग्रे, बाकी का टेक्सचर देखो और उसका जो है एपिजेनेसिटी टेंडेंस की देखो, और इसके अंदर जो एपिजेनेसिटी हाइपो हो गई है. ठीक, इसके अलावा इस इमेज में देखो तो ये एरिया पड़ा हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स भी नजर आ रहे हैं, डॉट्स नहीं तो ये देखो, ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा हाइपोइक्विक है, ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा, डैट मीन्स एक जैसा एरिया नहीं है, होमोजीनियस सरफेस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, कहीं से हमें एक्जेनेसिटी डिफरेंट नजर आ रही है, कहीं पे इस तरह का टेंडन नजर आया. वैसे तो टेंडन हमें एक जैसा नजर आना चाहिए, होमोजीनियस सा नजर आना, जो भी उसकी एक्जेनेसिटी है, जिस तरह लिगामेंट की होती है वाइट ही नजर आता है, तो कहीं पे हमें कुछ नजर आ रहा है उस पूरे के अंदर, कहीं पे कुछ नजर आ रहा है, डैट मीन्स उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, दिस इज द इमेज, और ये आज का लेक्चर था छोटा सा हमारा, कि टेनिस एल्बो क्या है छोटा सा, और उसको समरी क्या करेंगे कि इसको लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेटरल टेंडन जो कि अटैच है, कौन सा टेंडन, एक्सटेंसर, कौन सी मूवमेंट के अंदर आएगा ये एक्सटेंसर, ठीक है, और वो मसल हमें पता चल गया. अब कौन से जो है किन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, कौन किन की ये रेपिटेटिव मूवमेंट होती है, टेनिस प्लेयर्स मोस्ट कॉमन सबसे पहले तो वो, और कारपेंटर्स जितने हो गए, या फिर लेबर्स जो कि आप हैमर्स के साथ जिनका काम ज्यादा है, ठीक है. अच्छा, ये तो तीन बता दिया, अगर मैं कोई ऐसे इससे मिलती जुलता कोई बता दूं, कोई और इसमें नहीं है, लेकिन आपको पता होगा इसकी मूवमेंट किस तरह की है, या फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी,
ठीक है, तो आप बता सकोगे कि इसकी एक्सटेंशन हो रही है बार बार मूवमेंट, तो एक्सटेंसर मूवमेंट्स के अंदर जो रेपिटेटिव मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वियर्ड एंड टियर होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस होगा उसको, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी लेटरल साइड में। ठीक है, फिर तीसरा इसमें हमने क्या पॉइंट पढ़ाया है, इसके अंदर की अल्ट्रासोनोग्राफिक अपेयरेंस क्या होगी इन्फ्लेमेशन की, हाइपोएक्विक फोकल रीजन हमें उसमें नजर आएगा, हेट्रोजीनियस एरिया नजर आएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है छोटा सा, पहुंचो ऊपर जल्दी से। ठीक है, ऑनलाइन असाइनमेंट आप लोगों ने वेंसडे को देनी है मुझे, सबमिट करानी है, लास्ट रात 12 बजे तक का टाइम है, कितने दिन है अभी, 5-6 दिन। मैम प्लीज आप सैटरडे करते हैं, अभी भी 5 दिन है, पिछले हफ्ते मैम एक बार प्लीज 2-3 दिन और दे दें, सैटरडे तक कर दें बस, बहुत दिन है अभी, आज बनाओ ना, आज क्या कर रहे हो मैम, नहीं है मैम, मैम आप अलीदर की सुन लें प्लीज, मैंने वेंसडे बोल दिया है, वेंसडे को जिसकी असाइनमेंट आ गई उसके बाद जिसकी आई मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चलो मैम आप ऐसा नहीं कर सकती मैम, थैंक यू वेलकम, जिसकी आ गई जिसकी नहीं आई वेंसडे तक उसके 0 marks, उसके बाद मुझे कोई ना सबमिट, बहुत दिन है बैठ के बनाओ असाइनमेंट, 3 पेज बनाने हैं, बहुत इश्यू है मैम, लड़कियों को तो मसला नहीं होगा, ओके अल्लाह हाफिज़।